नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं स्वयं सहायता समूह में आई हुई एक नई नौकरी के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है स्वयं सहायता समूह के द्वारा आप बड़े आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप गाँव में हैं या शहर में हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जो ग्राम संगठन बनाकर आप बड़े आसानी से लाखों रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में डिटेल में बने रहने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है स्वयं सहायता समूह के बारे में आपको तो पता ही होगा, इसमें एक नई नौकरी आई है जिसका नाम है पुस्तक संचालक। जी हाँ दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में बुक कीपर की नौकरी। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आया हुआ है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह में ग्राम संगठन होता है, जिसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ग्राम संगठन के सभी कार्यों, जैसे कि ग्राम पंचायत में समूह का गठन करवाना, ग्राम पंचायत में कितने समूह चल रहे हैं और उनमें से कितने सदस्य हैं, इसका लेखा जोखा ग्राम संगठन के पास होता है। जब आप एक ग्राम संगठन बन जाते हैं, तब आपका कमाई करने का तरीका और मिलने वाला मानदेय बढ़ जाता है। ग्राम संगठन में इस लेखे जोखे को करने के लिए बुक कीपर, पुस्तक संचालक के पद के लिए नौकरी दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पुस्तक संचालक के काम क्या होते हैं, पुस्तक संचालक को कब से मानदेय मिलने लगता है, पुस्तक संचालक को कितना मानदेय मिलता है। दोस्तों, आगे चलते हम लोग बात कर रहे हैं पुस्तक संचालक यानी बुक कीपर के काम क्या हैं। किसी भी काम को करने के लिए पहले उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि बुक कीपर का काम क्या होता है। ग्राम संगठन में पुस्तक संचालक की भूमिका अहम होती है। ग्राम संगठन में होने वाले किसी भी प्रकार की सभा को पुस्तक संचालक लिखित रूप से वर्णित करता है, बताता है। पुस्तक संचालक यदि किसी भी प्रकार की योजना बनाई जाती है, तो उसमें पुस्तक संचालक पूरी जानकारी रजिस्टर में नोट करते हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित किए जाने वाले प्रत्येक समूह की जानकारी संबंधित ग्राम सभा के ग्राम संगठन के पास होती है। ग्राम संगठन के द्वारा ही समूह सखी और समूह में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ग्राम संगठन में होने वाली आम सभा की मीटिंग को पुस्तक संचालक द्वारा लिखा जाता है। दोस्तों, ग्राम संगठन की मीटिंग में कौन कौन सी कार्रवाई की जाती है, कौन से प्रस्ताव लिखे जाते हैं, ग्राम संगठन की सभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया है, इन सब कार्यों की जानकारी पुस्तक संचालक को देनी पड़ती है। तो दोस्तों, पुस्तक संचालक का ये काम रहा। अब मैं बताऊँगा पुस्तक संचालक को कब से मानदेय मिलने लगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं पुस्तक संचालक को कब से मानदेय मिलने लगता है। दोस्तों, पुस्तक संचालक के मानदेय की बात करें तो ग्राम संगठन में पुस्तक संचालक के पद पर नियुक्त हुए महिला अथवा पुरुष को ग्राम संगठन बनने के बाद नौकरी पर नियुक्त किया जाता है। इस नौकरी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा संविदा पर रखा जाता है। संविदा का अर्थ होता है नियुक्त किए गए अभ्यर्थी की कोई निश्चित मानदेय नहीं होगा और नियुक्ति किया गया व्यक्ति को कभी भी इस पद से निकाला जा सकता है। ग्राम संगठन के पुस्तक संचालक यानी बुक कीपर को गाँव में पंजीकृत किए गए समूहों के सदस्यों द्वारा मानदेय चेक के रूप में दिया जाता है। पुस्तक संचालक को 6 महीने के प्रशिक्षण के पश्चात मानदेय दिया जाता है। अगर आप बुक कीपर बनते हैं, सबसे पहले आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको मानदेय दिया जाएगा। डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। पुस्तक संचालक को कितना मानदेय मिलता है, इस चीज़ को भी मैं बताने जा रहा हूँ। ग्राम संगठन के पुस्तक संचालक को समूह के सदस्यों द्वारा 500 रुपये के वेतन के रूप में दिया जाता है। समूह के सदस्य पुस्तक संचालक को उसका वेतन है उसके कार्यों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ग्राम संगठन पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का नियंत्रण रहता है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा ही ग्राम संगठन के सदस्यों जैसे समूह सखी और पुस्तक संचालक बुक कीपर के वेतन का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद समूह के सदस्य इस वेतन को चेक के रूप में पुस्तक संचालक को प्रदान करते हैं। यानी बड़े आसानी से आप 9000 से 10000 रुपये महीने का आराम से कमा सकते हैं। अगर आपको कमाना है, अगर आपको ग्राम संगठन के द्वारा बुक कीपर बनना है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।